डॉक्टर एमपी सिंह, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि आज हम स्वतंत्रता दिवस पूरे राष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज हम उन वीर शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। आज आपको पता है कि जिस स्वतंत्रता में हम सांस ले रहे हैं, आज हम अपने घरों में सुख से रह रहे हैं, अपने कार्य को हम अमन चैन से कर पा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने ब्रिटिश राज की गुलामी को देखा था, उनके बारे में जब हम सुनते हैं और हमें उनके बारे में इतिहास बताया जाता है तो हमें पता चलता है कि हमारा देश ब्रिटिश राज के अधीन किस प्रकार से अपना गुजर बसर करता था। साथियों, वो महापुरुष, वो महानायक, वो महान सैनिक माननीय मंगल पांडे जी, शहीद सरदार भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, महात्मा गांधी जी, ये ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी परवाह न करते हुए आज इस भारतवर्ष को आज़ाद किया है। महात्मा गांधी जी जो सत्य अहिंसा के पुजारी रहे, एक तरफ क्रांति वीर थे तो एक तरफ सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। साथियों, आज हमें अपने आने वाली पीढ़ी को उनके इतिहास के बारे में बताना चाहिए। और सच्ची देशभक्ति तो तभी होगी जब सरकार के नियमों की हम पालना करेंगे। आज कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है और देश में बहुत बड़ी महामारी आई हुई है। सारा व्यापार चौपट हो चुका है, रोजगार छिन चुके हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा भी बहुत ख़त्म हो चुकी है। आगे इस देश की एकता अखंडता के लिए काम करना है, इस देश को मजबूत बनाना है, तो हम सबको एकजुट होकर के उन नीतियों को लाना पड़ेगा और अपनी जागरूकता का परिचय देना पड़ेगा। हमें कोई ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी जिस प्लानिंग के तहत हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार मिले, सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी की शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य और चिकित्सा भी फ्री होनी चाहिए। जब हम इस चीज़ को कर पाएंगे तभी हमारा देश कहीं पर ऊपर उठ सकता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो सीमा पर हमारे भाई और बहन इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ वही शहीद नहीं होते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश के जो देशभक्ति से ओतप्रोत होते हैं, देश की नीति पर चलते हैं और देश को एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपनी कुर्बानी दे देते हैं। साथियों, इस देश में जो भी आज खुली हवा में सांस ले रहा है उसको ध्यान रखना चाहिए कि प्रदूषण मुक्त भारत कैसे होगा। साफ सफाई करके अधिकतर लोग गलियों में डाल देते हैं, स्वच्छ भारत का मिशन लेकर के चल रहे हैं। स्वच्छता कहाँ से शुरू होगी? जब हम सभी स्वच्छता को अपना लेंगे तभी स्वच्छता का हम संदेश दे सकते हैं। न्याय की बात हम कहते हैं तो कहीं पर भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। जब भारतवर्ष में इस न्याय व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो हम कह पाएंगे कि हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं। आज बहन बेटियों की अस्मित से खिलवाड़ की जा रही है, कहीं पर भी बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, इसके लिए भी कानून व्यवस्था में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो बाहर विदेशों में जा कर के अपने ज़िंदगी को गुजारना पसंद करते हैं, भारत में रहना पसंद नहीं करते हैं। कारण क्या है? उस कारण को ढूंढना पड़ेगा ताकि हमारे देश की प्रतिभा हमारे देश में ही रह सके। सच्चे जो सिपाही हैं आज वर्दी में जो आने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में जाकर के नौकरी करने के लिए कोशिश करते हैं, अध्यापक बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्यों? ऐसा क्यों है? कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमें कारणों की ज़रूरत है। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, ये सबसे पहले राष्ट्र हमारा है। यदि राष्ट्र की उन्नति चाहिए तो हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे राष्ट्र का अहित हो। यदि आप राष्ट्र प्रेमी हो, राष्ट्र भक्त हो,
तो राष्ट्र की उन्नति के लिए आपको एकजुट हो जाना चाहिए और एकजुट होकर के काम करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं। इन सब बातों के साथ में मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इस राष्ट्रीय पर्व पर कि हम सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही उन महापुरुषों को याद ना करें, बल्कि उनका तो हर पल हर क्षण हमारे दिल और दिमाग में होना चाहिए कि उन माताओं को हमें नमन करता हूं जिन्होंने अपनी कोख से उन बच्चों को जन्म दे करके और इस मुकाम तक पहुंचाया। उन पिताओं को मैं नमन करता हूं जिन्होंने कि संस्कार सभ्यता दे करके उनकी परवरिश की, और उस क्षेत्र को भी नमन करता हूं जिस क्षेत्र में जिस धरती में उनका जन्म हुआ। ऐसे महापुरुष कहते तो सभी हैं कि सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, इस प्रकार के जो महापुरुष हुए हैं आज भी हैं, लेकिन आज मौका नहीं मिल पा रहा है। साथियों, मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ, इस राष्ट्रीय पर्व पर बधाई देता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी व्यस्त रहें, आप सभी का विवेक ठीक रहे, धैर्य से काम लें, हिम्मत से काम लें और देश को ऊंचाइयों के विकासशील देश बनाएं, विकसित देश बनाएं और गरीबों की मदद के लिए आगे आएं। कोई भी देश में ये जो छुआछूत है इससे दूर रहें। हम सब मानव हैं और हम सब मानव एक दूसरे के काम आए, यही मेरा एक संदेश है, यही मेरा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।